नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बता रही हूँ छोटी और जो मोटी अंगुलियों वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। मतलब हाथों की अंगुलियाँ अगर आकार में बहुत छोटी हो या फिर बहुत ज़्यादा मोटी हो या दोनों ही स्थिति हो तो कैसा स्वभाव होता है और किस तरह के लोग होते हैं ऐसे, ये जानकारी मैं आपको आज देने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं 20 वर्ष से अधिक समय से ज्योतिष कर रही हूँ और लाखों लोगों को इससे लाभ मिल चुका है। आप भी अपनी कुंडली का परामर्श लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, जिन लोगों के हाथों की अंगुलियाँ बहुत ज़्यादा छोटी होती है और बहुत ज़्यादा गद्देदार या मोटी होती है तो ऐसे व्यक्ति प्राय आत्म केंद्रित होते हैं, अपने बारे में पहले विचार करते हैं बाद में दूसरों के बारे में। अगर हाथ की अन्य स्थिति भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हो, मतलब हाथ का जो रंग है वो भी सही नहीं हो या हाथ का आकार भी सही नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति प्राय स्वार्थी भी होते हैं और बहुत कठोर मानसिकता वाले होते हैं। लेकिन विपरीत इसके, यदि हाथ की अन्य स्थितियाँ अनुकूल हैं तो इस दुष्प्रभाव में काफ़ी कुछ कमी आती हुई देखी गई है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और देखी है, आप भी इसको ज़रा विचार कीजिएगा, क्योंकि एक सिद्धांत के हिसाब से जो बातें कही जाती हैं कई बार प्रैक्टिकल में वो चीज़ नहीं मिलती है। इसके पीछे कारण होता है कि बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं, सिर्फ एक चीज़ के आधार पर हम किसी के भी व्यक्तित्व का पूर्ण विश्लेषण नहीं कर सकते। कई स्त्रियां मैंने ऐसी देखी हैं जिनके हाथ बहुत छोटे, उंगलियाँ बहुत छोटी, गद्देदार, लेकिन इसमें ये चीज़ भी देखी कि वो स्त्री या जो भी मनुष्य है मोटा, स्वयं भी बहुत मोटा हो तो ये दुर्गुण काफ़ी कम होता है। ऐसे व्यक्ति कई बार बहुत हास्य प्रिय, विनोद प्रिय होते हैं, कई डिग्रियाँ उनके पास होती हैं और लोगों का भला भी सोचते हैं। लेकिन हाँ, स्वार्थी मनोवृत्ति कम ही रूप में हो उनमें देखी गई है या फिर कंजूसी की भी आदत ऐसे लोगों में मैंने बहुत देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।